तो गाइस, तो मैं आज आपके लिए और एक वीडियो लेके आ गया हूँ, जहाँ पे हम कुछ नया वेबसाइट के बारे में रिवील नहीं करने वाले, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो है UHRS एग्ज़ाम को आप कैसे पास कर सकते हो। मैं कुछ बहुत ही इजी वाले ट्रिक्स दूंगा, बहुत ही इजी वाले ट्रिक्स तो नहीं, मैं टिप्स दूंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम को पास कर सकते हो गाइस। तो गाइस, चलिए चलते हैं सीधा वीडियो के ऊपर। तो गाइज, पहला जो बात मैं बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में, वो है गाइज क्लिक वर्कर। UHRS में क्वेश्चंस दो टाइप के आते हैं। पहला टाइप जो आता है वो है गाइज इंग्लिश ग्रामर, जो कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछेंगे आपको, आई डैश गोइंग, ऑप्शन दिया हुआ एम आर, तो आई एम गोइंग, तो एम, तो ऐसे ही बहुत ही आसान क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होंगे, और कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको गूगल करने से भी मिल जाएंगे। इस दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत जन को दिक्कत देता है, बहुत जन बोलते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो गाइज वो वाला भी बहुत ही ईजी है। बस थोड़ा सा आपको अगर ट्रिक और टिप, बहुत जन को पता नहीं होता कैसे करना है, मैं आपको पूरा बता दूंगा अभी कैसे करना है, ताकि आप इजीली USRS का एग्ज़ाम को पास कर जाओ। मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको लास्ट में बोलूँगा। नंबर टू जो आता है वो है नेम एंड एड्रेस एक्सट्रैक्शन, ठीक है गाइस। तो नेम एंड एड्रेस एक्सट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, इसका पूरा एक एग्जाम्पल देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो गाइस, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन कैसे होता है मैं बता दिया हूँ, नेम एंड एड्रेस एक्सट्रैक्शन का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ गाइस। तो मैं सीधा उनका क्वेश्चन तो नहीं दूंगा, लेकिन कुछ आपको वो ना आपको जो इजी टाइप, उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा गाइस, ठीक है गाइस। तो एक टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि मेरे को आया था गाइस, वो है ju.org, ठीक है गाइस, ju.org, ये क्वेश्चन मेरे को आया था, मे भी आपको भी आ सकता है, आई डोंट नो, बट आ सकता है। तो इसका जो क्वेश्चन आया था, क्या पूछा था मैं बताता हूँ गाइस। बोलेगा कि आपको ये जो ju.org है, ju.org आपको देगा वेबसाइट, और आपको बोलेगा इसका नेम, चार फील्ड दिया हुआ गाइस, ठीक है, चार फील्ड दिया हुआ। ये क्वेश्चन में आपको चार चीज़ें पूछेगा। पहला टाइप, पहला पूछेगा नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है, नेम ऑफ द कंपनी पूछेगा। दूसरा पूछेगा ये आपको स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है। तीसरा पूछेगा आपको, ये पूछेगा आपको सिटी स्टेट जिप कोड, और चौथा पूछेगा ये आपको फ़ोन नंबर, ठीक है गाइस। एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन ये पूछता है। तो ये वाला कैसे आपको सॉल्व करना है, चलिए ये ju.org का एग्जांपल से हम देखते हैं। तो ju.org होगा हमारा, अभी क्वेश्चन है ju.org, और हमें ये चार क्वेश्चंस पूछे हैं, तो कैसे हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। सो नेम ऑफ द कंपनी क्या होगा गाइस, चलिए मैं बताता हूँ। नेम ऑफ द कंपनी हमें ये देखिए, कोई भी वेबसाइट में आपको ये जो उसका उसके बारे में कहाँ से मिलता है, इधर अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, ये दो जगह से आपको उसके बारे में सारा चीज़ पता चलता है। तो अगर आप यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे जाओ, मे भी हमेशा मोस्टली वेबसाइट के नीचे ही मिलता है, नहीं तो कुछ आपके मेन्यू पे आपको अगर अबाउट अस सेक्शन या कॉन्टैक्ट अस सेक्शन होगा तो वहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप नीचे लास्ट में देख सकते हो, इसका नाम है, लिखा है कि वुडलैंड पार्क जू इज ए रजिस्टर्ड, जो भी है, तो आपको यहीं से नाम पता चल गया कि इसका नाम है वुडलैंड पार्क जू गाइस। तो इसको सीधा आपको कॉपी करना है, और वहाँ पे जो फील्ड दिया होगा नेम ऑफ द कंपनी के साइड में, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। स्ट्रीट एड्रेस आपको दिया होगा, स्ट्रीट एड्रेस अभी कहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो ये जो पहला सेंटेंस दिया है ये सिटल, ये यहाँ से, ये जो यहाँ से आया है ये है सिटी का नाम, तो स्ट्रीट का नाम ये एन डॉट जहाँ तक है इधर तक होगा। और गाइज यहाँ पे एक स्ट्रीट एड्रेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है गाइज, ये जो AVE डॉट और N डॉट लिखा है, इसको आपको फुल लिखना है, ठीक है। तीन टाइप का शॉर्ट फॉर्म आता है, मैं तीनों उसका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म भी बता दूंगा। AVE का फुल फॉर्म है गाइज AVE, NUE, N का फुल फॉर्म है गाइज NORTH, और एक आता है S, S का होता है साउथ, बस ये तीन ही है। और ये स्ट्रीट एड्रेस अगर आपको ये लिखेंगे तो ये होगा ठीक, इसका स्ट्रीट एड्रेस ये हो गया ठीक। तो अभी पूछेगा सिटी स्टेट और जिप कोड, तो गाइज सिटी स्टेट और जिप कोड होगा ये सिटल से लेकर इसका जिप कोड तक आपको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है गाइज। इसको एक चीज़ याद रखिएगा, इसका फॉर्मेट एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए। अगर आप यहाँ से एक स्पेस भी हटा दो, जैसे कि सिटल कमा के बाद एक स्पेस आपको दिख रहा होगा, अगर सिटल कमा के बाद आप अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है गाइज, इसको याद ध्यान रखिएगा। बहुत जन का यही मिस्टेक की वजह से भी बहुत जन टेस्ट पास नहीं कर पाते। अभी चलते हैं फ़ोन नंबर के बारे में। फ़ोन नंबर का भी यहाँ पे एक फॉर्मेट है गाइस, ये अगर देखो तो ये वाला फ़ोन नंबर है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि ये फ़ोन नंबर है, तो आप क्या कर सकते हो,
आप एक और भी काम कर सकते हो जिससे आपको फ़ोन नंबर इसका पता चल जाएगा। तो गाइस और एक चीज़ आप कर सकते हो वो है वुडलैंड पार्क जू का नाम, इसको कॉपी करना है आपको, आपको पेस्ट कर देना है गूगल पे। गूगल पे अगर आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पे आप गूगल पे ही आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, फ़ोन है इसको कॉपी करना है। ये देखिए यहाँ पे ये जो 2065482500 ये इससे मिल रहा है, तो इसको कॉपी करना है, इसको पेस्ट कर देना है गाइस। और इसका फॉर्मेट क्या है गाइस, फॉर्मेट कुछ ऐसे है कि प्लस वन हमेशा आएगा, उसके बाद एक स्पेस आएगा, उसके बाद उसके तीन नंबर्स आएंगे, तीन नंबर्स के बाद एक स्पेस आएगा, और बाकी जो सात नंबर हैं उसको एक साथ लिखना है। तो ये है फॉर्मेट गाइस, प्लस वन उसके बाद स्पेस उसके बाद 206 उसके बाद 548 जो भी है, ठीक है गाइस। तो ये चार क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया वुडलैंड जू जू डॉट ओ आर जी का गाइस। तो ये पूरा जो जू डॉट ओ आर जी का ये जो वेबसाइट, एक वेबसाइट का मैं बता दिया, वैसे ही आपको ये शायद 6 से 7 क्वेश्चन पूछते हैं यूएचआरएस में, बस ये वेबसाइट नेम एंड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए वेबसाइट, तो ये क्वेश्चन को ऐसे करना है। और इंग्लिश ग्रामर बहुत ही आसान होता है, मैं जिसको जैसे आपको बताया एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है, और अगर आप ऐसे करते हो मैं 100% गारंटी देता हूँ आप इजीली पास कर जाओगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ गाइस, इसका जो पासिंग मार्क है वो है 85%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप इससे बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि ये बहुत ही आसान टेस्ट है और बहुत जन इसको पास कर चुके हैं। मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है गाइस, आप खुद ही मेरा देख सकते हो। अभी का जो मेरा बैलेंस है यहाँ पे देख सकते हो, यूरो 68.64 है, और ये हफ्ते भी मैंने अराउंड $45 कमाया है, जो कि अगले हफ्ते इस बैलेंस पे जुड़ जाएगा। और ये पेमेंट कैसे करते हैं गाइस, इसका पेमेंट का भी मैं बताता हूँ। हर हफ्ते मैं यूएचआरएस के बारे में बोल रहा हूँ, यूएचआरएस में मैं हर हफ्ते जो काम करता हूँ, सोचिए मैं ये जो अभी 23 से 29 काम किया, तो ये हफ्ते का जो पैसा यूएचआरएस में मेरा बना है वो अगले हफ्ते का मंडे, मतलब ये जो 31 है, 31 को मेरा क्लिक वर्कर के अकाउंट में आ जाएगा। अभी क्लिक वर्कर के अकाउंट में आने के बाद इससे, अब जिस दिन क्लिक वर्कर के अकाउंट में आया उसी दिन से 28 डेज आपको ऐड करना है गाइस, ठीक है, उसी दिन से 28 डेज आपको ऐड करना है। और ये जो 28 डेज के बाद ये जो पैसा है आपका, ये जो पेएबल दिखा रहा है, पेएबल पे आपको ये पैसा दिखाएगा, जिस दिन आपको ये पेएबल पे दिखा दिया उसी दिन से सब्सिक्वेंट जो वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे को ये पेमेंट आपको कर देंगे गाइस। तो ये जो पैसा है मेरे को मोस्टली 15 से मेरे को पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तीन हफ्ते, हर हफ्ते का पेमेंट मेरे को हर हफ्ते आने वाला है गाइस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, और मैं ये अपॉर्चुनिटी आप सबको बताना चाहता हूँ, कोई भी मिस मत कीजिए इसको, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस पर आप काम कीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं उधर बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता रहता हूँ। तो गाइस और एक बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट में ढूंढना हूँ, जो कि मतलब वहाँ से आप पेमेंट जो मिलेगा क्रिप्टो से मिलेगा, लेकिन जिसका वो जो मैं जो वो जो फील्ड में जो आपको काम करेंगे वो जो फील्ड अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो जो वेबसाइट हो, मैं नेक्स्ट मेरा जो नेक्स्ट मंथ का वेबसाइट ट्रिविल सीरीज़ होगा उसमें मैं बताऊँगा गाइज़। तो गाइज़ तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी अर्निंग में।